जानिए एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5, आरजेडी को चतरा की 1 और सीपीआईएमएल को कोडरमा की 1 सीट मिल सकती है। जैनेन्द्र इस खबर को विस्तार देंगे। जैनेन्द्र, यही आंकड़ा रहने वाला है जब ऐलान होगा तो? बिल्कुल, टॉप सोर्सेज से हमें ये कंफर्म खबर मिली है कि झारखंड में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है। आरजेडी 2 सीटों की मांग कर रही थी लेकिन आखिरकार उन्हें 1 सीट पर मना लिया गया। सीपीआईएमएल कोडरमा सीट मांग रही थी, हालांकि उस पर पेच फंसा हुआ था। सीपीआईएमएल को कोडरमा सीट दे दी गई है और गठबंधन का स्वरूप जो है वो तय हो गया है। 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 5 पर जेएमएम लड़ेगी, ये इनकी परंपरागत सीटें होंगी और आरजेडी और सीपीआईएमएल को 1-1 सीट दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि 1-2 दिन में औपचारिक तौर पर इस सीट बंटवारे के फार्मूले का ऐलान इंडिया गठबंधन की जो के जो घटक दल हैं झारखंड में वो इसको रांची या दिल्ली में इसका ऐलान कर सकते हैं। जी ठीक है जैनेन्द्र, अब अगली बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं, झारखंड से ही है ये। झारखंड में बीजेपी को आज झटका लगा है। मांडू सीट से बीजेपी के विधायक प्रकाश पटेल आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खबर है कि प्रकाश पटेल हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रकाश पटेल जो हैं वो शामिल हो रहे थे। और ये मांडू सीट से बीजेपी के विधायक हैं। अब ये खबर आ रही है ये हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हजारीबाग की मांडू सीट से विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इस पर बात करने के लिए खुद जेपी पटेल साहब मेरे साथ हैं। आप बीजेपी छोड़कर और आप विधायक भी हैं, कांग्रेस में आए हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, चुनावी माहौल में बहुत सारे चीज होता है लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है। चूंकि हमारे पिताजी जिन उद्देश्य और जिन सोच के साथ राजनीति करते थे उनका उद्देश्य था कि झारखंड का सर्वांगीण विकास और झारखंड के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक और पिछड़ों का कैसे विकास हो, हम कैसे उनको आगे बढ़ा सके, ये चीज मैं एनडीए फोल्डर में नहीं देख पा रहा था। जिस तरह राहुल गांधी जी लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पूरा देश प्रभावित है और झारखंड विशेष रूप से प्रभावित है और इसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगा। राजेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ा झटका आपने झारखंड में दिया कांग्रेस बीजेपी। देखिए, झटका नहीं है ये, जो बीजेपी डर और लालच का कॉकटेल चला रही है पूरे देश में। ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश बेचने वालों के साथ नहीं देश बचाने वालों के साथ आ रहे हैं। वैसे में जयप्रकाश भाई पटेल हैं, निश्चित रूप से सिर्फ झारखंड को नहीं पूरे देश को ताकत इससे मिलती है कि ऐसे समय में इस तरह के लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, न्याय यात्रा के दौरान 5 दिनों तक झारखंड में रहने का काम किया था, उससे ये प्रभावित हो। ऑफर क्या दिया? सीधी बात है, देश बचाने का ऑफर है और देश बचाने में ये कामयाब हो। तो प्रकाश पटेल का कांग्रेस में जाना निश्चित तौर पर चुनाव से पहले कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने वाली खबर है ये। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।